नमस्कार व्यूअर्स मैं हूं अमीश देवगन इन दिनों देश में विरोध वाला अजीबोगरीब गरीब ट्रेंड शुरू हो गया है पहले तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं का दमन बताया गया फिर सीए के नाम पर कहा गया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे फिर कहा गया चाहे जो हो जाए मुस्लिम बच्चियों बच्चियां स्कूल में हिजाब जरूर पहनेगी आखिर संविधान के का नाम लेकर संविधान की खिलाफत का यह कैसा खेल चल रहा है अब मदरसों के सर्वे का भी विरोध होने लग गया है उसका भी वो दौर शुरू हो गया है अस्साउदी ओवेसी सर्वे की तुलना एनआरसी से कर रहे हैं ओवेसी ने कहा है कि सरकार आदेश पारित कर दे कि आज के बाद आप मुसलमान नहीं रहेंगे समाजवादी पार्टी के नेता वरिष्ठ सांसद एस टी हसन ने कहा है कि सर्वे की वजह से मुस्लिम समाज धर्म से दूर हो जाएगा और गुनाह करेगा मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने कहा है कि यहां तक कह दिया है कि सर्वे टीम का स्वागत आप जूते और चप्पलों से कीजिएगा जबकि यूपी सरकार का पक्ष है कि सर्वे मदरसों को मुख्य धारा में लाने के मकसद से कराया जा रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ कहा है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप भी हो सरकार मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती है क्यों मुस्लिम समाज को या फिर कुछ मौलानाओं को यह गलत लगता है और लोग भड़काने में लगे हुए हैं हिजाब मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल को ड्रेस कोड बनाने का पूरा अधिकार है अब जरा याद कीजिए हिजाब पर कैसे समाज को बगलाया गया सवाल यह है कि क्या परेशानी फैसलों से है या फिर फैसले लेने वालों से क्या असली परेशानी भारतीय जनता पार्टी से है क्या धर्म में मुद्दे सियासी फायदे के लिए उठाए जाते हैं और लोगों को भड़काया जाता है आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा मदरसे होंगे मॉडर्न मौलानाओं को टेंशन। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे का काम क्या शुरू हुआ सियासत एक बार फिर गर्म हो गई एजेंडा वही पुराना है मुस्लिमों को डराओ बहकाओ और बरगलाओ मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप, आप मुसलमान मत रहिए आप कुरान मत पढ़िए नमाज मत पढ़िए ऑर्डर जारी कर दीजिए वही करना चाह रहे आप ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एन आर सी है समाजवादी पार्टी सांसद एस टी हसन तो कई कदम आगे बढ़ गए निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे इन आरोपों और भड़काऊ बयानों के बाद ये भी समझना जरूरी है कि योगी सरकार आखिर गैर सरकारी मदरसों का सर्वे करवा क्यों रही है दरअसल यूपी के 75 जिलों में सर्वे का काम चल रहा है पांच अक्टूबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा सर्वे में बारह सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं इनमें के बच्चों को तमाम डिग्रियां हैं इनकी मौलवी इत्यादि की इसे पढ़ाकर आई एस आई पी एस इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता कि सर्वे कराकर हम मुसलमानों बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसों में गरीबों के बच्चे हैं। उनको अच्छी शिक्षा देने का सरकार का मन है इससे पहले असम में ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की थी जिन पर देश विरोधी काम करने में शामिल होने का शक था वहाँ तीन मदरसों पर बुलडोजर डोजर चल चुका है आपने देखा कि में क्या हुआ है? That, आड़ी। आड़ी, तो अब उत्तराखंड सरकार ने भी सर्वे के लिए कमर कस ली है साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी सर्वे की मांग की है आप मदरसे के सर्वे की भी बात कर रहे हैं यूपी की तर्ज पर आसाम की तरफ पर मदरसे का सर्वे होना चाहिए बिहार के अंदर योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ उन्होंने गरीब मुसलमान के बच्चों के हित के लिए सोचा कि वो मजहबी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान लें इसीलिए वो सर्वे करा रहे हैं पूरे बिहार के मदरसों का ये भी सर्वे कराएं। ट्रेंड कहता है कि तीन तलाक से लेकर हिजाब तक परेशानी फैसलों से नहीं बल्कि फैसला लेने वालों से है। यानी दिक्कत सरकार से है क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब पर साफ कर दिया है कि स्कूलों को ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार है तो क्या मुस्लिमों के नाम पर उन्हें भ्रमित करने का काम हो रहा है आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा सबसे बड़ी बहस मेरे साथ जनता जनार्दन है इस देश के युवा है जो अपने सवाल पूछेंगे सबसे पहले आप लोगों के लिए जोरदार तालियां आप लोगों का अभिनंदन और मेरे साथ यहां पर छह मेहमान है उन सबका मैं एक एक करके अभिनंदन करता हूं मेरे साथ मौजूद है सुबुही खान संयोजक राष्ट्र राष्ट्र जागरण अभियान की उनका अभिनंदन है पेशी से वकील भी हैं हैं मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ मुफ्ती वजाहत कासमी जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं उनका अभिनंदन है जोरदार दो से स्वागत करिए अश्विनी उपाध्याय है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील उनका अभिनंदन है मेरे साथ कलिबुल हाफिज है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ए

तकलीफ नहीं है फैसला लेने वालों से तकलीफ है तकलीफ पचास सेकंड तकलीफ़ किसी से नहीं है एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए जी दूसरी बात यह है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन मैं खुद कहता हूं कि मैं मदरसे का स्टूडेंट हूं, मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूं, आज इस काबिल हुआ हूं आपके सामने बात करने के मदरसे की वजह से अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर क्या चाहते हैं ये एक सवाल है और मैं खुद कह रहा हूँ कि वो उसकी अपनी जरूरत है वो तो खुद चाहता है कि देश हित में वो क्या कुछ कर सकता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है मुसलमानों की हालत को मदरसे तो उसी ओर अग्रसर हैं और तालीम को बढ़ावा देने में अपना रोल अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं तो वेलकम वो आए और करे क्या सहयोग करना चाहती है तो करने के लिए किसी का सहयोग पता तो लगना पड़ेगा कि उनके पास क्या है है तो रहा वही में हो

और मदरसों की स्थिति चूंकि मैं भी मदरसों से पढ़ के आया हूँ मदरसों की स्थिति नब्बे परसेंट ये है कि उनके पास कुछ है ही नहीं लेकिन जो दस परसेंट घेरे में है जो अफ्रीका से लेकर कतर दुबई और अमेरिका तक माल इकट्ठा करके इस नब्बे परसेंट का भी हिस्सा खा जा रहे हैं और वही सिस्टम के खिलाफ देखो मेरी हजारों मौलवियों से बात हो रही है कोई सर्वे के खिलाफ नहीं हम स्वागत करते हैं सर्वे का सर्वे और सारी रशीदी वाला स्वागत नहीं सारी साहब वाला स्वागत नहीं फूल माला वाला स्वागत लेकिन वो दस परसेंट लोग अब क्या करेंगे इनको लड़ाएंगे मुस्लिम संगठन घेरे में है जमीत घेरे में है मुस्लिम मेंसनला घेरे में है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं जी। और रही में आप हिजाब की बात भी कर रहे थे हमने स्कूल बनाए नहीं है सिर्फ हम अपनी सत्रह हजार स्टूडेंट ने सत्रह बच्चियों ने कॉलेज छोड़े स्कूल छोड़े कितना बड़ा नुकसान है पचास पचास सेकेंड हो गए मैं आगे आपको मौका देता चाहता हूं ये तो फूल फूलमानों से स्वागत कर रहे हैं रशीदी साहब आप जूते से स्वागत करना चाहते हैं ऐसा क्यों जूते से स्वागत नहीं देखिए असल में क्या है कि हमारी भावनाओं की कभी क़दर नहीं करना चाहती सरकार जी मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ एक तो संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करूँ उसका प्रचार प्रसार करूँ और अपनी मर्जी के मदरसे खोलूँ स्कूल खोलूँ कॉलेजेस खोलूँ ये मेरा संविधानिक अधिकार है दूसरे दो में एक फ़ैसला आया था पार्लियामेंट से पास हुआ था एजुकेशन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल राइट टू एजुकेशन उसमें यह था कि छः साल से चौदह साल तक के बच्चे जो है उनको लाजमी तालीम स्कूल से लेनी पड़ेगी उस पर जो है जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने जब बात की तो दो साल के बाद में मेहनत के बाद एक अमेंडमेंट उसमें आया कि मदरसे वैदिक पाठशालाएं और मठ जिनमें धार्मिक एजुकेशन दी जाती है उनको इस कानून से अलग किया ठीक है पचास जब ये अलग जी जी जी। हैं, तो फिर जूते से स्वागत करने वाले का जवाब मैं आपसे आगे लूंगा सुबुई खान मैं आपका रुक करता हूं <laughs> एक जगह जूते से स्वागत करना चाहते हैं लोग एक तरह का फूलों मालाओं से स्वागत करना चाहते हैं लेकिन इतना विरोध क्यों है इतना तमाशा क्यों है हमने सीए में भी तमाशा देखा हमने इजाब में भी तमाशा देखा हमने ट्रिपल तलाक में भी तमाशा देखा क्यों अमीश देखिए पचास सेकेंड ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी तरह से मुसलमान बच्चों के या मुसलमानों के विरोध में नहीं है लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वो लोग हैं इनके ना तो खुद के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं ना इनके खानदान में आसपास का कोई बच्चा मदरसों में पढ़ता है ये वो लोग हैं जो मुसलमान बच्चे को मानसिक तौर पे गुलाम बनाकर सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं या फिर उनको भीड़तंत्र बना के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लड़वाना चाहते हैं ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान बच्चे का दिमाग खुले ये चाहते ही नहीं है कि वो ज्ञान विज्ञान पढ़े आप गणित विज्ञान कला भाषा ये सब तो भूल जाइए ये लोग तो इस्लाम भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं अमीश मदरसों में

देखिए भारत सरकार की एक स्कीम है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा उस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार साढ़े सात सौ करोड़ रुपए उन मदरसे टीचर्स को नहीं दे रही है यानी पचास हजार टीचर को पिछले चौवन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है दूसरी बात जहां तक सर्वे का ताल्लुक है सर्वे पहले से भारत सरकार के यूडाइज पोर्टल पर मौजूद है सारी डिटेल मौजूद है तीसरी बात ये जो सर्वे हो रहा है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की कंप्लेंट पर हो रहा है तो इसलिए ये सरकार की मंशा क्वालिटी एजुकेशन ना देकर के लोगों को हरास करने की है जिस तरह से वो सी एनआरसी के थ्रू हरास करना चाहते थे इस सर्वे के थ्रू भी उन मदरसे वालों को हरास करेंगे जिसमें थोड़ी बहुत कमी निकलेगी यही काम उन्होंने आसाम में किया आसाम में भी मदरसा बोर्ड को खत्म करके उन्होंने उसे स्कूल में कन्वर्ट किया और जो मदरसे नॉन एडिट चल रहे थे उन पर उन्होंने बुलडोजर चलाया तो ये जो जुल्म है भारतीय जनता पार्टी का हम इसके खिलाफ जी, 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 है उपाध्याय जुल्म कर रही है रूलिंग पार्टी यानी जो सरकार शासन में है वो जुल्म कर रही है क्योंकि तो इसको मिनी एनआरसी तक कह रहे हैं पूरे देश में समान शिक्षा हो देश के सभी बच्चों की एक किताब हो अठारह साल तक मुझे लगता है जो बार बार कहते हैं सच्चर कमेटी ये कमेटी वो कमेटी अगर मुस्लिम बच्चों का पिछड़ापन दूर करना है मुस्लि, मुस्लिम मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाना जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस देश में समान शिक्षा हो ना मदरसा ना कुछ ना कुछ अठारह वर्ष तक सभी बच्चे एक किताब पढ़े बंगाल वाला बंगाली में पढ़े गुजरात वाला गुजराती में पढ़े महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े लेकिन उसकी किताब एक होनी चाहिए राइट टू इक्वल एजुकेशन होना चाहिए राइट टू एजुकेशन नहीं

कोर्ट है वो जब वो अंडर कोर्ट है तो इसको कैसे सर्वे किया जा रहा है भाई मुझे किस कानून के तहत किया जा रहा है सर्वे इसका मुझे सरकार जवाब दे।, दे जब मामला कोर्ट में है कोर्ट से फाइनल हो जाए अमेंडमेंट अगर नहीं मानती पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं मानती या कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे देता है तो करे सरकार तो रशीदी साहब आप जूतों से स्वागत करना चाहते हैं आपने बोला जूतों से स्वागत करिए क्यों बोला आपने ये क्यों बोला मैं मैं इस बात को मैं कई जगह एडमिट भी कर चुका हूं कि मेरे गुस्से में मैंने ये बातें कही है ये की मेरे अंदर की भावना थी ये मैंने उसको तरीका गलत हो सकता है कहने का लेकिन मेरी भावना है भावना है, जूतों से स्वागत करिए किसी ये, ये वॉयलेंस को बढ़ावा देना है नहीं, की नहीं, 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 नहीं। आप इसको बार -बार मत की चुके मैं एडमिट कर चुका हूँ कि हाँ ये ये गलत है मैंने कुछ ज्यादा कहा है तो इसको एडमिट बार बार करने से कोई फायदा नहीं उसका चैनलों पर इसको देंगे भी इन्होंने भावनाओं में कह दिया था अगर कोई बात एक बार जबान से निकले तो आप मान सकते हैं कि बयान बता दे मुझे कहाँ कहा है मैंने राम मंदिर तोड़ देंगे तो पूरे देश में चैलेंज करता हूँ आपने बोला था जैसे हाजिया सोफिया

500 साल के बाद या 200 साल के बाद जब इस तारीख को पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद की मुसलमान तो वो भी तो कहेंगे ना कि हमारी मस्जिद तोड़ दी गई ये देखिए देखा दे, 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 ये, ये तो है वाली भड़काने वाली बात ये है ना जी जी देखिएगा